तो इस तरीके से अगर ट्रेंडिंग सॉन्ग अगर आप अपने फोटो के साथ में जो है गाने को लगा के अपने स्टोरी बनाना चाहते हैं तो इन मेथड को फॉलो करके आप इस तरीके से जो है अपना स्टोरी भी बना सकते हैं। हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में किसी भी ट्रेंडिंग सॉन्ग को कैसे लगा सकते हैं 2022 में। देखो, आपने बहुत सारे लोगों के स्टोरी में देखा होगा, उनका खुद का फोटो होता है, साथ में एक म्यूजिक भी ऐड होता है, जहां पे आप उनको प्ले करते हैं तो उनके फोटो के साथ में गाना बज रहा होता है, चाहे वो पंजाबी सॉन्ग हो, चाहे वो बॉलीवुड का सॉन्ग हो, चाहे वो हिंदी सॉन्ग हो, चाहे वो कोई भी ट्रेंडिंग सॉन्ग हो। तो ऐसा स्टोरी आप अपने लिए कैसे बना सकते हैं, है ना? तो चलो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, इसको करने के लिए सबसे पहले जो है आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको स्टोरी का टैब दिख रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको अपने एक फोटो को चूज करना होगा, जो भी फोटो आप अपने स्टोरी पे लगाना चाहते हैं। तो एक फोटो चूज कर लो एंड उसके बाद आप क्या करना है कि ऊपर में देखो आपको एक स्टिकर का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा जहाँ पे एक म्यूजिक का सेक्शन होगा, ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो सारा ट्रेंडिंग सॉन्ग्स जो है आ जाएगा। आपने किसी का भी स्टोरी देखा होगा तो यही सारा गाना जो है ज़्यादातर चलता रहता है, ठीक है? आप इसको प्ले करके भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में प्ले का बटन है, जिस पे भी प्रेस करेंगे तो वो सारा गाना प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली मैं अब यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद नीचे में कोई भी गाना है आप ले सकते हैं। अगर आपको जो गाना चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो ऊपर में आपको एक सर्च का सेक्शन मिल रहा है, वहाँ पे भी जाके आप उस गाना का नाम टाइप करके उस गाने को ढूंढ सकते हैं, तो उसका सारा लिस्ट आ जाएगा, फिर आप उसको चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी एक गाना को चूज कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने इस गाने को ले लिया। तो जैसे ही इस गाने पर प्रेस करेंगे तो भी ये गाना यहाँ पर बजना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? उसके बाद देखो इस गाने का फॉर्मेट कैसा रखना है। अभी देखो यहाँ पे नाम और गाना का नाम लिखा हुआ रहा है, टाइटल लिखा हुआ रहा है, जैसे इस पर प्रेस करते जाओगे, ठीक है, तो वैसे वैसे इसका फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट चेंज होता जाएगा। तो किस तरीके से आपको अपने फोटो पे इसका फॉर्मेट रखना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेना, ठीक है? तो फिलहाल मैं इसको ऐसा रहने देता हूँ। एंड उसके बाद अब आप जो है इसको नीचे में देखो एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ये 15 सेकंड का बेसिकली होता है, इसी के अंदर जितना भी सॉन्ग आएगा वही गाना बजेगा। पूरे गाने में से आप इसको जहां पर भी रखेंगे उतना ही गाना आपके गाने में सुनाई देगा, चाहे ये फर्स्ट में रखो या चाहे मिड में रखो चाहे ये लास्ट में रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट गाने का आपको सुनाना है, ठीक है? उसके बाद देखो आप जो है इसको डन कर दो, ऊपर में डन का एक ऑप्शन है, जैसे डन कर देंगे तो उसके बाद आप इसको जो है बड़ा छोटा लेफ्ट राइट अप डाउन इसको कर सकते हैं, अपने हिसाब से स्ट्रेच कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और आपको जहां भी इसको रखना है, आपको लगता है कि हाँ इसको यहां पर रखने से फिट होगा या फिर इसको यहां पर रखने से सही रहेगा, जिधर भी आपको सही लगता है आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग इसको जो है फिट कर दो। तो फिलहाल जो है मैं इसको यहां पर फिट कर देता हूं एंड ये फिट हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, नीचे देखो योर स्टोरी का एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही आप इसको यहां पर प्रेस करेंगे तो ये जो है आपके स्टोरी पे जो है पोस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं कि मेरे स्टोरी पे जो है ये वाला लगा है या फिर नहीं। तो जैसे ही मैं यहां पे स्टोरी पे क्लिक करता हूं तो देखो अभी भी ये पोस्टिंग हो रहा है ना, और अब देख सकते हैं कि ये जो है पोस्ट हो चुका है, और जिस तरीके का मैंने बनाना चाहा था स्टोरी एकदम सेम एज इट इज़ जो है वैसा ही स्टोरी यहाँ पे बन गया है, और यहाँ पे मेरा गाना भी प्ले हो रहा है, ठीक है? और ये काफ़ी ट्रेंडिंग सॉन्ग है। तो इस तरीके से अगर ट्रेंडिंग सॉन्ग अगर आप अपने फोटो के साथ में जो है गाने को लगा के अपने स्टोरी बनाना चाहते हैं तो इन मेथड को फॉलो करके आप इस तरीके से जो है अपना स्टोरी भी बना सकते हैं। तो आई होप कि अब आप सीख गए होंगे इस तरीके का जो है म्यूजिक के साथ में जो है अपने फोटो के साथ स्टोरी बनाना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना जरूर नीचे कमेंट करके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा सिर्फ आपके लिए। यहां पर दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।